अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक फार्मिंग वाला बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा आइडिया है कि जिससे आप सालाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। बहुत ही यूनिक और ट्रेंड वाला आइडिया है। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर हाँ ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं जो आइडिया बताने वाला हूँ ये बहुत ही हटकर है और बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। वो उन किसानों के लिए है जो परेशान है पैसे के लिए, क्योंकि आजकल हर जगह जो है ना वही खेती की जा रही है जो जूने ज़माने के हिसाब से चल रहा है, पुराने तरीके से चल रहा है, वही जो है ना आइटम कर रहे हैं। अगर आप फार्मिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी खेती से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए है। कैसा है, हर किसान इससे लाखों रुपए अर्न कर सकता है और ये बहुत ही ट्रेंडिंग वाला जो है ना आइडिया है। इतना है कि आपको देखो हर काम के लिए वक्त लगता है, बिना वक्त लगाए बिना मेहनत करे बिना स्ट्रगल करे आप कुछ आपकी लाइफ में पा नहीं सकते, ना ही आप कमा सकते हैं। अगर आपको कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ पैसा बड़ा कमाना है तो आपको ये आइडिया को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एकदम से जो है ना कोई भी आइडिया सक्सेस नहीं होता, तो आपको इसे वक्त देना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल आपको इसका वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस आइडिया में अच्छे खासे सक्सेस हो सकते हैं और आपकी गरीबी दूर हो सकती है। नहीं तो बहुत सारे हमारे किसान भाई बेचारे बहुत परेशान हैं कि उनके जो है ना माल फसलों को जो है ना रेट नहीं मिल रहे और जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर परेशानी आ रही है। क्यों? क्योंकि अब जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको कि कोई तुअर दाल लगा रहा है तो तुअर ही दाल लगाते जा रहे हैं, कोई जो है समझ लीजिए गेहूँ लगा रहा है तो गेहूँ की खेती करी जा रही है। तो इसके अंदर कैसा होगा, कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है। एकदम से जब मार्केट में माल आता है तो कैसा है, इसका रेट नहीं मिल पाता और ना ही इसे अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती से अच्छा खासा पैसा कमाई हो, भले आपके पास में 1, 2, 3 एकड़ की भी अगर जमीन होंगी तो इंशाल्लाह आप इससे इस आइडिया से लाखों रुपए कमा सकेंगे, लाखों रुपए अर्न कर सकेंगे। जो मैं फार्मिंग बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ उसका नाम है खजूर की खेती। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि खजूर कितनी जो है ना महंगी होती है और कितनी ज़्यादा इसकी डिमांड है और कितना ज़्यादा इसका जो है ना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इतना है कि आपकी अगर जो ज़मीन है, जो आपकी खेती है, पहले आपको लेबोरेटरी के अंदर चेक करवाना पड़ेगा कि आपको जो है ना खजूर की खेती आप कर सकते कि नहीं। देखिए थोड़ी सी मेहनत है, स्ट्रगल है, लेकिन एक बार आपकी खजूर की खेती जो है ना सक्सेस हो जाती है, 1 एकड़, 2 एकड़ या 3 एकड़ में आप इसका प्लान डालते हैं और खजूर की खेती करते हैं तो मेरे हिसाब से कम 20 से 30 लाख रुपए सालाना आप कमा सकते हैं। आज देखिए 250, 300, 400 रुपए खजूर है। आज जो है ना इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है कि आप जो है ना जितना ज्यादा आपका माल रहेगा ना उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट भी होगा और उतनी ही ज्यादा इसकी डिमांड है। तो ये जो आइडिया मैं बता रहा हूं खजूर की खेती का, तो आप समझ लीजिए आपको नहीं समझता कि हम किस तरीके से करें और किस तरीके से हमें इस खजूर की खेती को करना चाहिए। तो आपको मैं आइडिया देता हूं कि आप YouTube पर भी जाकर बहुत सारी इसके वीडियोस है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब जैसा कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे नागपुर के अंदर एक जो है ना शख्स ने खजूर की खेती शुरू किया। तो खजूर की खेती उसने जब स्टार्ट किया 10-11 साल पहले, तो आज जो है ना हर साल उसे 20 से 30 लाख रुपए का जो है ना सालाना पैसा कमाई हो रही है, मुनाफा मिल रहा है। आप सोचिए कि कितने एकड़ में, वो भी 1 से 2 एकड़ के अंदर वो कम से कम मेरे हिसाब से 20 से 25 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, तो कितना अच्छा प्रॉफिट है और कितनी अच्छी इसकी फार्मिंग हो सकती है। इतना है कि हर काम में जो है ना स्ट्रगल है, मेहनत है, सब्र करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। और दूसरी बात, आप जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, अगर इस तरीके से अगर काम करते हैं तो इंशाल्लाह आप खेती से भी और अपने जो है ना काश्तकारी से भी लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। इतना है कि आपको इसकी बातें समझना पड़ेगा। अब जैसा कि आप अगर समझ लीजिए आपको खजूर की खेती का रियल वीडियो देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर ही कि आप नागपुर का नाम डालिए और खजूर की खेती डालिए, तो पहले ही नंबर पर वीडियो आएगा, वहाँ का बगीचा देखने मिलेगा और
आपको पूरी उसमें माहिती भी मिलेंगी, समझ में आएगा। तो आप जो है ना 10 एकड़ 20 एकड़ आपके पास में है तो 2-3 एकड़ में करने में क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। कि अगर आपको सालाना 20-25 लाख रुपए कमाई हो सकती है तो इस काम को अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस काम को सही तरीके से करते हैं, समझ के करते हैं और सही जो है ना काम करते हैं और जो है ना जमीन का टेस्ट करवाते हैं कि आपके यहाँ की मिट्टी किस तरीके की है और किस तरीके का आपके यहाँ पे समझ लीजिए खजूर की खेती जमेंगी कि नहीं, तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा जो है ना ट्रायल करते हैं और लेबोरेटरी में भेजते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं और इस पर मेहनत करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह देखिए आप जो है ना सालाना लाखों रुपए कमाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। इतना है कि हर काम में स्ट्रगल है, मेहनत है। अगर आप जो है ना डेली बेसिस पे जो जूनी पुरानी खेती करते जा रहे हैं वही आप करते रह रहे हैं तो आप इसमें कमा नहीं सकेंगे, ना ही आपकी इसमें लाइफ सक्सेस हो सकेंगे, ना ही आपको बड़ा पैसा देखने को मिलेगा। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा पैसे को देखना है तो आपको जो है ना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ेगा। और आप कहेंगे सर आप इतना अच्छा हमें आइडिया बता रहे हैं लेकिन हमारा ये जो हमारे पास पैसा नहीं है, यही नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई मेरे, मुझे एक बताइए कि आप जो भी खेती करते हैं उसे पैसा लगाते कि नहीं लगाते हैं, तो थोड़ा सा पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक एकड़ भले आपके पास में 10 एकड़ हो तो 1 एकड़ में शुरू कीजिए। तो कुछ ना कुछ यूनिक हटके करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज बहुत सारी यूनिक फार्मिंग आ चुकी है, बहुत सारी फार्मिंग करके आप लाखों रुपये अर्न कर सकते हैं। खजूर ही नहीं बल्कि बहुत सारी खेती होती है, बहुत सारी फार्मिंग होती है। इतना है कि आपको मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है और अपने काम पर ध्यान देते हुए मन लगन से काम करना है, फिर देखिए इंशाल्लाह अज़्ज़ा आप किस तरीके से सक्सेस और कामयाब होते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।